Hi friends, now moving towards our next topic. हम लोग present tense के बारे में पहले बात कर रहे हैं. तो how many types of tenses are there in the present tense? Four such types are there. Simple present, present perfect, present continue and present perfect continue. हम present tense, simple present और simple present और present continue पढ़ चुके हैं. Okay, now the next one is present perfect tense. What is the topic? Present perfect tense. Now again we will work with our same process. ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या जानना है, what is the definition of present perfect tense. ठीक है, तो present perfect के अंदर क्या होता है, when the action is done in the present time. ठीक है, when the action is done. हम कंटिन्यू में क्या करते हैं, व्हेन द एक्शन इज रनिंग. ठीक है, अभी भी हमारी एक्शन चल रही है, जबकि यहाँ क्या होता है, हम अभी अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर ही वो एक्शन कर चुके हैं. ओके, इज डन एट द प्रेजेंट, व्हेन द एक्शन इज डन एट द प्रेजेंट टाइम. ओके, व्हेन द एक्शन इज डन एट द प्रेजेंट टाइम. सो टू इंडिकेट दिस एक्शन वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ये चीज क्लियर है हमें. अब दूसरी चीज हमें क्या समझनी है, दैट व्हाट इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस. अब क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो फॉर्मेशन के अंदर अगेन द सेम थिंग विल बी देयर. व्हाट इज देयर, असर्टिव, नेगेटिव एट इंटरोगेटिव. ओके, दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है, असर्टिव. लेकिन उससे पहले हमें क्या जानना है कि यहां पर जब हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात करते हैं तो उसमें फॉर्म ऑफ टू बी कौन सा यूज होगा. तो फॉर्म ऑफ टू बी यहां पर आएगा हैव एंड हैज. क्या आएगा, आइदर हैव और हैज. अब असर्टिव की फॉर्मेशन जैसे कि आप लोग जानते हैं क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ टू बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे भी हम वही चीज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ टू बी. हमारे पास फॉर्म ऑफ टू बी में क्या है, हैव हैज प्लस वर्ब. तो वर्ब के अंदर यहाँ पर हमेशा क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल. वर्ब का कौन सा फॉर्मेशन आएगा, पास्ट पार्टिसिपल. और वी कैन कंसिडर वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट. फिर इसी तरह से नेगेटिव है. ठीक है, तो नेगेटिव के अंदर हम क्या कर लेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस अगेन वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट. यही अगर इंटरोगेटिव है तो डब्ल्यू एच प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वी थ्री और यहां पर आएगा क्वेश्चन मार्क. ये चीज हमें इतनी क्लियर है. अगर वो डब्ल्यू एच टाइप में है तो डब्ल्यू एच प्लस हैव एस, ओके वो फॉर्मेशन रहेगा. और अगर यस नो है तो आगे से डब्ल्यू एच निकल जाएगा, पक्की का फॉर्मेशन रिमेन्स द सेम. ओके, नाउ दिस थिंग इज क्लियर. अब क्या ध्यान रखना है, हैव का आएगा और हैज का आएगा. ठीक है, तो हम पहले उसकी लिस्ट बना देते हैं, आई वी यू दे. ओके, अगर हमारे पास आई वी यू दे या फिर कोई भी प्लूरल नेम है तो उसके साथ में हम हमेशा क्या यूज करेंगे, हैव. वी विल यूज हैव. इसी तरह से अगर है ही शी इट, ओके ही शी इट, आई वी यू दे हो गया. ही शी इट के साथ क्या आएगा, सिंगुलर नेम. अगर ये सारी चीजें हैं तो दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज हैज. तो उस तरह के सेंटेंसेस में क्या आने वाला है, हैज. ओके, नाउ बोथ दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू ऑल. अब क्या ध्यान रखना है हमें, व्हाट आर द आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स ऑफ दैट. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे दैट द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो उसके लिए कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं. कौन कौन से वर्ड्स हैं, येट. अगर सेंटेंस में येट आता है, एवर, Never, recently, ठीक है,
completely. Just now. Just है, already है. Already है, so far है. Okay. ये सारे वर्ड्स अगर उसके अंदर है तो इट मीन्स दैट द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब डीपली हम लोगों को समझना है ये कंसेप्ट क्लियर है. बाकी कैसे समझेंगे हम एग्जाम्पल. फर्स्ट लेट अस सॉल्व द एग्जाम्पल्स. व्हाट इज देयर फर्स्ट. पूनम नॉट माय बुक. ओके सो हियर व्हाट इज देयर. नॉट इज देयर. ओके तो हम लोगों को क्या करना है, पहले हमें ये पता लगाना है कि विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दैट. तो ये किस तरह का सेंटेंस है. नॉट मतलब नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस इज देयर. फिर उसका आइडेंटिफिकेशन ठीक है. तो नथिंग इज देयर सच लाइक दैट. ओके फिर दूसरी चीज क्या है कि अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हमें क्या पता लगाना है कि ये पूनम. पूनम इज अ सिंगुलर और प्लूरल. तो इट इज अ सिंगुलर. तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे दैट पूनम हैज नॉट और रिटर्न. रिटर्न का वी थ्री. रिटर्न रिटर्न रिटर्न. ओके तो आर ई टी यू आर एन ई डी रिटर्न. ठीक है ये क्या होते हैं पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. फिर इसी तरह से यू एवर डैश आगरा. ठीक है तो यू है यहाँ पर. यू है तो हम यू के साथ में हैव यूज करेंगे या हैज यूज करेंगे. हैव यूज करेंगे. ठीक है तो यहाँ आ जाएगा हैव यू एवर सी सी सॉ सीन. ठीक है तो थर्ड पार्टिसिपल क्या आया सी सॉ सीन. तो यहाँ क्या हो जाएगा सी का सीन. इन द सेम वे आई जस्ट फ्रॉम द स्टेशन. ओके तो आई करेंगे हैव. I have just come. Come, 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 came, come. Okay, I have just come from the station. फिर थर्ड चीज क्या है Why Mayank dash his book homework just now finish. Okay, तो why is there? Question is there. ठीक है तो ये क्या है interrogative type of sentence. अब उसमें हमारे पास क्या है Mayank. ओके तो नेम ऑफ पर्सन मतलब वो क्या है सिंगुलर. तो अगर सिंगुलर है तो हम वापस से यहाँ पर क्या यूज करेंगे हैज. व्हाई हैज मयंक डैश हिज होमवर्क फिनिश. फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड. ओके सो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिनिश्ड. देन रेखा ऑलरेडी एट अहमदाबाद. रेखा अगेन नेम इज देयर. ठीक है तो रेखा के साथ में भी क्या आ जाएगा हैज. रेखा हैज ऑलरेडी रिच्ड. ऑलरेडी क्या है हमारा आइडेंटिफिकेशन. जस्ट नाउ क्या है हमारा आइडेंटिफिकेशन. ठीक है तो उसी तरह से ऑलरेडी रिच रिच रिच्ड रिच्ड. तो क्या हो जाएगा रिच्ड. स्वामी जी जस्ट हिज लेक्चर. व्हाट इज देयर आइडेंटिफिकेशन जस्ट. यहाँ क्या है नेवर. यहाँ क्या है एवर. ओके ऑल दीज आर द आइडेंटिफिकेशन जिससे हम पता लगाएंगे कि ये क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब स्वामी जी फिनिश. तो स्वामी जी. स्वामी जी इज अ सिंगल पर्सन. तो अगेन व्हाट हैपेंस यहाँ पर क्या आ जाएगा हैज. स्वामी जी हैज जस्ट फिनिश. फिनिश का क्या हो जाएगा फिनिश्ड ई डी. देन हितल डैश हैदराबाद. हितल हितल इज अगेन द नेम ऑफ अ सिंगल पर्सन. तो क्या हो जाएगा हितल हैज नेवर विजिट. विजिटेड वी थ्री. विजिटेड विजिटेड हैदराबाद. फिर इसी तरह से यू एवर द स्टोरीज अबाउट बीरबल विट. तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज किया है यू. मैंने आपको रूल्स के अंदर बताया था कि अगर यू है तो यू के साथ में हम क्या यूज करेंगे है. हैव यू एवर रेड. Read, read, read. Okay, so have you ever read the stories about Birbal Bit? यहाँ क्या होता है read के अंदर. Read के अंदर spelling remains same, only the pronunciation is changed. Okay, so hence these are the examples. Is it clear to you all now? Okay, hopefully it would be. Now, here it is completed. Thank you.